ज्ञापन देने आए। मेरा नाम राजेंद्र राजसी है और मैं आम आदमी पार्टी रायबरेली का जिला प्रभारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जो कल राज्यसभा के अंदर में बिल पास हुआ है, कानून जो यहाँ पे पास हुआ है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आप सबने देखा कल जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर में ये जो कानून पास किया गया है, ये इन्होंने ध्वनि मत से इस तरीके से पास किया और पूरा विपक्ष चाह रहा था कि आप वोटिंग इसके ऊपर करा लीजिए। इन्होंने संविधान का गला दबाते हुए आज उस चीज़ को भी नहीं माना और अपने आप उस बिल को पास कर दिया। और बिल भी क्या पास कर रहे हैं, किस चीज़ का बिल पास हुआ है, ये जो इन्होंने बिल पास किया है वो भी किस चीज़ के ऊपर इन्होंने पास किया है, ये हमको समझना पड़ेगा। आज ये कहते हैं कि हम जो है कानून यहाँ पे जो लेके आ रहे हैं उससे किसानों का भला होने वाला है। वो किसानों के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको ख़त्म करते हुए ये कह रहे हैं कि हम आज आपको कह रहे हैं कि आप बड़े दामों में कहीं भी जाके अपना अनाज बेच सकते हैं। अरे क्या वो पहले नहीं बेच सकते थे? किसी भी किसान को अगर जहाँ पे ज़्यादा दाम मिलता वो वहाँ पे जाके बेच सकता था, लेकिन उसको एक उम्मीद थी कि सरकारी एजेंसी के पास हम जाएंगे तो कम से कम इतने दाम में हम जो है यहाँ पे अपना अनाज बेच सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ को अगर ख़त्म किया है तो आप यहाँ पे ये भी ख़त्म होता है कि कल को अगर वो कहीं पे भी अगर अपना अनाज बेचना चाहेगा उसको अगर ऊंचे दाम में नहीं मिल पाएगा अनाज बेचने को तो वो नीचे से नीचे दाम पे भी बेचेगा और ख़रीदेगा कौन। आज इन्होंने सरकारी एजेंसियाँ जिस तरीके से ख़त्म करके निजीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं, वही निजीकरण के साथ ही जो इनके यहाँ पे दोस्त यार मित्र इनके बैठे हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपति, वही कल को इस देश के अंदर जो इस देश के अंदर किसान हैं उनको भी खरीदेंगे। उसी किसान का अनाज जो आज के टाइम में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हुआ है उसको हटा के ये सबसे कम में खरीदेंगे और इन्होंने भंडारण की जिस तरीके से व्यवस्था खत्म की है वो अपने यहाँ जितना चाहेंगे उतना भंडारण कर सकेंगे और जब अनाज के दाम बढ़ेंगे तब वो बेचेंगे। कालाबाजारी तो यहाँ छोटा छोटा बच्चा जानता है कि जिस चीज़ का भंडारण ज़्यादा होगा उसकी कालाबाजारी ज़्यादा होगी। तो आप ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है किसानों के आप भला करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे ज़िले के हमारे यहाँ पे संस्थापक के रामू दादा हैं, हम जाएंगे तो ये किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए? राम मोहन श्रीवास्तव, रामू दादा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आए दिन जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी का संस्थापक होने के नाते कल जो भारत के इतिहास में ये काला कानून अन्नदाता के खिलाफ पास किया गया, राज्यसभा में कोई डिबेट नहीं होती, स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं और काला कानून पास करा लिया गया। यही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कसम खाई थी, सौगंध इस मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे सब कुछ तो भेज दिया, जहां देश लगा था कोल इंडिया, रेल इंडिया, भेल इंडिया, जहां जहां इंडिया लगा था सब भेज डाला। और कल भारत के 64 लाख अन्नदाताओं की लोट थाली तुमने भेज डाली। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये काले कानून उद्योगपतियों की सरकार के बनाए कानून हम नहीं मानेंगे।